स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आप यहाँ पर आइकन्स चेंज करेंगे। यहाँ पर आपको काफी आइकन्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये आइकन्स देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको काफी शेप्स देखने को मिल जाता है, जैसे सर्कल होगा और भी शेप्स देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप इसका जो साइज है, ये जो आइकन है, इसका जो स्टाइल है, आप चेंज कर सकते हैं। तो ये मैं आपको बताऊंगी। प्लस अगर इससे पहले एक बार तो कैसे मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, घंटी का ऑप्शन भी क्लिक करना ताकि मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है स्क्रीन पर। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा होम स्क्रीन सेटिंग, इस पर क्लिक कर देंगे आप। उसके बाद आप यहाँ पर डायनेमिक आइकन्स का ऑप्शन मिल रहा है आपको, ऐड आइकन्स टू होम स्क्रीन। इसको ऑन ऑफ होगा तो आपको ऑन कर लेना, ये तो हमेशा ऑफ रहेगा, अगर ना हो तो आप ऑन कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है जो कि है डायनेमिक, इस पर क्लिक करना है आपको। यहाँ पर आपको कोई स्पेशल नहीं मिल रहा है, चलिए इसको करते हटाते हैं इसको। और यहाँ पर आपको चेंज आइकन शेप्स का ऑप्शन मिलना चाहिए, इस पर क्लिक करते हैं। और यहाँ पर आपको यूज सिस्टम, ये सभी आपको जितने भी आपको यहाँ पर देखने मिल रहे हैं, ये सभी आइकन्स के नाम हैं, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम इस पर क्लिक कर देते हैं डिफॉल्ट, तो डिफॉल्ट तो है ही, इसको कर लेते हैं स्क्वायर, इस पर क्लिक कर देंगे। होम बटन पर क्लिक करना है, आप चेक देखिए ये स्क्वायर भी हो चुका है। और भी देख लेते हैं, इस पर क्लिक करते हैं डिफॉल्ट, देख लेते हैं डिफॉल्ट कैसा है। यहाँ पर आपको बस क्लिक कर देना है, चेंज हो जाएगा। होम बटन पर क्लिक करेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये चेंज हो चुका है। तो डिफॉल्ट आइकन इस शेप में आपको देखने को मिला है, तो स्क्वायर भी हमारा चेंज हो चुका था। और यहाँ पर इस पर आपको क्लिक करना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं चेंज हो चुका है। उसके बाद होम बटन पर क्लिक करना है और चेक करना है। ये देखिए, ये काफ़ी, ये डिज़ाइन जो है, इसकी जो स्टाइल है काफ़ी अलग है बाकी जो है शेप से, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। फिर से आपको लॉन्ग प्रेस करना है और फिर से आपको इस पर क्लिक करना है, फिर से आपको इस पर क्लिक करना है आइकन्स पर, और फिर से आपको इस पर क्लिक करना है। अब होम बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये बिल्कुल चेंज हो चुका है। इसी के साथ चेंज कर सकते हैं और दिखाते हैं आपको, सभी ट्राई कर लेते हैं हम। इस पर क्लिक करना है आपको, लास्ट है इस पर क्लिक करना है, होम बटन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये चेंज हो चुका है। इसमें से आपको जो भी शेप्स पसंद आ रहे हैं आप उसे चेंज कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, घंटी का ऑप्शन पर क्लिक करना ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बस मिलते हैं इस वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।